हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बप्पी कुकिंग चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ बर्फी स्टाइल गुलाब जामुन की रेसिपी। खाने में बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही सुपर क्विक रेसिपी बताऊंगा, तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, बिना स्किप करें। सबसे पहले एक बाउल रख लेंगे, उस पे हम डालेंगे 2 कटोरी सूखा दूध, जिसे हम मिल्क पाउडर बोलते हैं। उसी कटोरी के नाप से ले लेंगे 1 कटोरी मैदा, 4 चम्मच ले लेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे इंग्रेडिएंट्स को। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब ले लेंगे 1 कप गरम दूध, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही दूध डालेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। जैसे गेहूं के आटे के लिए हम रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं, सेम उसी तरह ही आटा लगाएंगे। पूरा 1 कप दूध यूज हुआ नहीं है, थोड़ा दूध बच गया दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से दूध थोड़ा थोड़ा डाल के ही इस डो को तैयार करें। 1 चम्मच डालेंगे तेल, फिर अच्छे से चारों तरफ लगा लेंगे और इसको कपड़े से ढक देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि 10 मिनट में अच्छी तरह ये फूल जाए। 10 मिनट के बाद आटा को फिर से बहुत अच्छी तरह मसल लेंगे और इसको एक रोटी की तरह बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसी तरह घुमाते घुमाते हुए इसको बेल लेना है। आप चाहे तो इसको गोल गोल शेप में भी गुलाब जामुन बना सकते हैं, तो मैं इसको बर्फी स्टाइल में ही बनाऊंगा। अब इसको कटिंग कर लेते हैं बर्फी स्टाइल में। उसके लिए रख लेंगे एक स्केल, स्केल की मदद से इसको हम कटिंग कर लेंगे। जब भी आपको मीठा खाने का मन हो, आप इसको घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बना सकते हैं और बनाना बेहद ही आसान भी है दोस्तों। इसी तरह से काट लेंगे, ये हमारा बर्फी स्टाइल में कट चुका है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से साइज छोटा बड़ा रख सकते हैं, मैं मीडियम साइज रखूंगा, ना ज्यादा छोटा ना बड़ा। ये देखिए, बाकी बच्चे भी इसी तरह से ही काट लेंगे। ये सारे बर्फी हमारा कट चुका है। अब एक पैन में पहले से मैं तेल गर्म करके रखा हूँ, गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और एक एक करके बर्फी हम इस तरह से छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। ये 4 मैंने रसगुल्ले की तरह भी बनाया। अब 1 मिनट इसी तरह इसको छोड़ देंगे ताकि एक साइड अच्छी तरह फ्राई हो जाए। 1 मिनट के बाद इसको फिर से पलट लेंगे। इसी तरह इसको 2 से 3 मिनट लगेगा इसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन फ्राई होने में। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको जरूर फ्राई कर लें। ये देखिए, ये अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा गुलाब जामुन फ्राई हो चुका है। अब बना लेते हैं इसका चाशनी। उसके लिए फिर से एक पैन रख लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। उस पर डालेंगे 1/2 कप पानी, उसी कप से डालेंगे 1/2 कप चीनी, थोड़े से डाल देंगे केसर स्वाद अनुसार, 3 डाल देंगे हरी इलायची। अब इसको चलाते रहेंगे और एक अच्छी तरह उबाल आने देंगे, जब तक ये हमारा चीनी मेल्ट ना हो जाए। एक उबाल में चीनी मेल्ट अच्छे से हो गया है दोस्तों। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब किसी एक बर्तन में इस तरीके से हम रख लेंगे और इसके ऊपर से हम डालेंगे ये चाशनी। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अब ये चाशनी डाल के इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। आप भी इस तरीके से गुलाब जामुन को बनाइए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो हम हर रोज लाते रहते हैं। 2 घंटे के बाद ये देखिए, मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ कितना सॉफ्ट है, ये आप देख सकते हैं। आपको कभी भी मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों कितना सॉफ्ट भी है और कितना स्पॉन्जी भी है, मैं कटे चम्मच की मदद से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी भी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू वॉचिंग माई।